नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज हम आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं फिलहाल आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के एडमिट कार्ड। दोस्तों फिलहाल आप लोग के आ चुके हैं और आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का दोस्तों एग्ज़ाम डेट क्या आई है और आप लोग के सीबीटी एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है, ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में। तो बिल्कुल कंप्लीट डिटेल दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं, तो पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को ये पूरी बात हमारी समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप लोग अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी आप लोग के एग्ज़ाम हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और आप लोग हमेशा अप टू डेट बने रहें। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों आप लोगों से सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के एडमिट कार्ड के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग इस वीडियो में जो है रेलवे आरपीएफ एसआई के सीबीटी एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो जारी हुआ है, कैंडिडेट्स अपनी एग्ज़ाम डेट नीचे जो मैंने लिंक्स दे रखे हैं फिलहाल डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, पूरी डिटेल से जान सकते हो। तो एग्ज़ाम डेट की दोस्तों बात करें तो आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 19 दिसंबर 2018 को कंडक्ट होगा। आप लोग के एडमिट कार्ड फिलहाल आ चुके हैं दोस्तों जो कि 9 दिसंबर 2018 को आ चुके थे और रोल नंबर जो है दोस्तों आप लोग को इशू किया जाएगा 15 नवंबर 2018 से आप लोग को रोल नंबर यहाँ पर इशू कर दिया गया है। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में मेन बात दोस्तों आप लोग की सिर्फ इतनी है कि आप लोग चेक कर सकते हैं एसआई का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है। तो इसको दोस्तों चेक करने के लिए यहाँ पर आप लोग को लिंक दिया हुआ है क्लिक हेयर का, ठीक है। तो दोस्तों इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा तो जो भी आप लोग का यहाँ पर जो एग्ज़ाम शेड्यूल है इसके बारे में आप लोग यहाँ पर डिटेल से जान पाएंगे। तो ये पूरा देखिए साफ साफ यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग पहुँच चुके हैं, सीबीटी एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट। तो देखिए फेज़ वन में आप लोग के यहाँ पर सब इंस्पेक्टर दे रखा है 43,108। ग्रुप है दोस्तों इसका E+F और स्टार्ट डेट है दोस्तों इसकी वेडनेसडे 19 दिसंबर 2018 और एंड डेट भी दोस्तों इसकी यही है। फेज़ थर्ड की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर दे रखा है 455964। सब इंस्पेक्टर ग्रुप है ए और बी, A+B। स्टार्टिंग डेट दोस्तों 5 जनवरी 2019 दे रखी है और संडे को दोस्तों इसकी एंड डेट दे रखी है 6 जनवरी 2019। फेज़ थ्री दोस्तों यहाँ पर भी दे रखा है 926683। C+T ग्रुप है और इसकी डेट है 9 जनवरी 2019 और एंड डेट भी यही है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ईच डे ऑफ एग्ज़ाम विल बी मेड अवेलेबल 10 डे प्रीयर्स ऑफ द डेट एंड दे रखा है यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल द कॉल लेटर फॉर द एग्जामिनेशन। तो इस बात को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों द कॉल लेटर ऑफ द ईच डे ऑफ एग्जाम विल बी मेड अवेलेबल 10 डेज प्रीयर्स ऑफ द डेट एंड फॉर एग्जाम्पल द कॉल लेटर्स फॉर द एग्जाम ऑफ January 9, 2019 विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड फॉर December 30, 2018 एंड द कॉल लेटर फॉर January 10, 2019 फॉर फ्रॉम December 31, 2018 अवार्ड। ओके, क्लियर इतनी बात। चलिए दोस्तों इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा और इसके बारे में फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल डिटेल के साथ ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो इस एग्ज़ाम शेड्यूल को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और अब दोस्तों हम लोग वापस आ चुके हैं और आपको बता दें जिन भाइयों ने अभी तक यहाँ पर अपने रोल नंबर को यहाँ पर अभी तक डाउनलोड नहीं किया एडमिट कार्ड को तो आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चेक रोल नंबर और स्क्रूटनी स्टेटस एसआई, तो इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप लोग के सामने जिस भी ग्रुप में आप लोग हों उस ग्रुप पर जैसे कि क्लिक करेंगे और आप लोग के सामने दोस्तों इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के और ये कैप्चा कोड दे रखा है इसको एंटर करेंगे और उसके बाद लॉगिन करके आप लोग फिलहाल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो ये थी दोस्तों फिलहाल पूरी प्रोसेस आप लोगों के लिए। ओके, तो ध्यान रखना दोस्तों इस बात को, अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके फिलहाल पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से फिर एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।